दो साल पहले आपने आके अनशन छुड़वाया था, आपने आके एक मिनट रुको यार, रुको रुको काम मत हो, मैं तो प्रश्न पूछूंगा। एक तो अपने चेयरमैन को बोलिए कि आईडीसी जो है इनको बोलिए कि वहां लखनऊ में बैठकर वो तमाशा ना देखें, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। ये रोज का धरना प्रदर्शन हम सब लोग देखते हैं, आईडीसी वहां लखनऊ में बैठकर तमाशा कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये सही। उत्तर प्रदेश को लूटने का काम ये अखिलेश यादव की सरकार ने किया। ठीक करवा दो, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं। एक मिनट रुको यार, रुको रुको। सरकार चिंता मत करिए, सरकार अगले 50 साल तक अब नहीं रहेगी, किसी की सरकार और नहीं आने वाली है, इस गलत फहमी में कोई नहीं, सरकार यहीं पर रहेगी, मोदी जी की रहेगी, योगी जी की। उत्तर प्रदेश को लूटने का काम ये अखिलेश यादव की सरकार ने किया। ठीक करवा दो, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं। एक मिनट रुको यार, रुको रुको रुको, बोल दिया। दो साल पहले आपने आके अनशन छुड़वाया था, आपने आके ऐसा जी, ऐसा है, मैं मेरा मूड है और मैं यहाँ का किसान हूँ, काम मत हो, मैं तो प्रश्न पूछूंगा, मेरा काम प्रश्न पूछने का है, मैं अपनी जनता का स्वाभिमान बनाना चाहूंगा, मेरा किसान परेशान है, मेरा किसान परेशान है, विधायक जी काम क्यों नहीं हुआ मुझे ये बताओ बस। क्या दो साल में आक्रोश नहीं बनता क्या? आखिर आपने क्या करा है? हमारे समझ में कुछ नहीं आया, हमारे देखने में कुछ नहीं आया, जो बोर्ड में मुद्दे पास हुए थे वो पास होकर अभी तक शासन से क्यों नहीं आए? जो मुद्दे हैं भैया सुनोगे नहीं सुनोगे, विधायक हमारे हैं और ऐसा है सम्मान भी करना जानते हैं और ताड़ना भी करेंगे निश्चित तौर पर, अगर काम नहीं होगा तो ताड़ना भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इतने को मुंह नहीं है कि ऐसा है, दो साल हो गए जी, क्या करूं बताओ, दो साल से किसी ने सुध लिए? सांसद जी विधायक जी हमारे दो साल पहले आए थे, अनशन छुड़वाया था, दो महीने से बैठे हुए हैं, सारे मुद्दे बोर्ड में पास हुए थे, क्यों नहीं हुए? विधायक जी मुझे मालूम है आपसे मैं भैया थप्पड़ ऐसा मारूंगा, अनुशासन आ जाओ बता रहा हूं मैं, ऐसा जी मैं आपसे नाराज होऊंगा, खूब नाराज होऊंगा, पर बात मैं भी ये भी जानता हूं, काम फिर भी आपके द्वारा ही मुझे कराना है, बहुत बढ़िया, ये भी मैं जानता हूं, निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं हूं, पर आप ये समझो मेरे पास लड्डू है तो मेरे पास लड्डू तो नहीं है जी, मैं तो कड़वे वो मेथी के लड्डू खवाऊंगा, बिल्कुल खवाऊंगा, खाने के लिए तैयार हो, सीधी सी बात है जी, इसमें कोई कुछ नहीं है, हमारा काम होना चाहिए, सीधी सी बात है। मैं कसम खाता हूँ भैया, सुनो एक हाँ भैया सुन लो, विधायक जी खड़े हैं, दो साल पहले आए थे, आपके तब की कसम, मेरी मानती शक्ति की पसीना की बूंदों की कसम, मेरे जवान भी पसीना भीगे हुए हैं, मैं निश्चित तौर पर यह कहता हूं किसी भी तरफ पीछे नहीं हटूंगा, पक्का मरने मर जाऊंगा पीछे नहीं हटूंगा, या तो काम करा दो। देखिए आप सब लोगों का स्वागत है, सुखबीर जी और सभी लोगों का, पूरी टीम का स्वागत है, लगातार आप सब लोगों ने संघर्ष किया है अपनी बातों को कहने के लिए, और मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से याद है कि ये दो साल नहीं लगभग डेढ़ साल सवा साल हुए हैं जबकि ये बात सारी हुई थी, और वो भी कितने मुश्किल से हुआ था ये भी सुखबीर जी भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं अंतिम दिन थी जब अधिसूचना जब लागू हो रही थी उससे पहले इसको कम से कम यहाँ के बोर्ड से पास कराकर इसको शासन स्तर पर भेजा गया था, और शासन स्तर से बात भी कई बार मीटिंग भी हुई है, बैठक भी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार आए थे तो उस मंच से भी, अगर आप लोग होंगे तो उस मंच से भी मैंने ये आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्राधिकरण ने हमारे जिले के हमारे विधानसभा के किसानों के साथ जो समझौता किया है उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल निर्देशित करें, यह खुले मंच से भरी सभा में मैंने ये आग्रह मुख्यमंत्री जी से किया था,
उसी के तुरंत बाद मुख्यमंत्री जी ने भी अपने भाषण में यह कहा था कि किसान हमारे प्रदेश के रीढ़ हैं, वह ताकत है और इसीलिए किसानों की समस्याओं का समाधान करना ये प्राथमिकता हमारी सरकार की है, उन्होंने भी ये बात कही थी। उसके बाद यहाँ से जब एक बार और वो जब बैठे थे ग्रेटर नोएडा में तो फिर से चर्चा हुई और उस चर्चा में उन्होंने बहुत साफ आईडीसी जो है मनोज सिंह उनको निर्देशित किया था कि किसानों की समस्याओं को सुने और फिर हम लोगों ने भी बातचीत की थी, आप लोगों की बैठक भी उसमें हुई, सुखबीर जी और सभी लोग आप लोग गए थे, आप लोगों की एक बैठक भी वहां पर हुई है। और देखिए एक बात मैं बहुत साफ में कह दूं कि मैं भले ही मैं पहले भी कहा और एक बात आप सब लोग भी जानते हैं जैसा सुखबीर जी ने कहा कि वो अपनी बात कहेंगे भी और अपनी बात सम्मान भी देंगे और अपनी बात मजबूती के साथ कहेंगे भी, तो मैं भी आप सब लोगों के बीच में ही खड़े होकर मैं इस बात को आपको कहता हूं कि जो सही होगा उसको कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दूंगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती और जो गलत होगा वो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ताली क्यों बजा रहे हो? गलत बजाने तो क्या दिक्कत है तुम? आप बैठो। कोई बात नहीं, शांत शांत आप एक एक बात एकदम साफ ये है, मैंने एक बार नहीं हजारों बार मैंने कहा है, जब मेरा चुनाव था तब से सामान्यतः कोई होता तो अपने चुनाव में लोग हमेशा हर बात को गलत सही सब पर बोल देते हैं कि हाँ होगा होगा करूंगा, मैंने तब भी कहा था, सुखबीर जी इस बात पर हो तो ये भी अपने लोगों को सबको बताते चलिए कि मैंने तब भी कहा था कि चुनाव में वोट डालने वाला दिन भी यदि होगा तब भी गलत वादा मैं नहीं करूंगा, इतना भरोसा और विश्वास आप सब लोगों को देता हूं और आज फिर आप सब लोगों के बीच में कह रहा हूं कि अंतिम दिन चुनाव का भी होगा तब भी गलत नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा वो सही बोलूंगा। और एक बार मैं हमेशा कहा हूं, आज तो अपनी सरकार है, पहले के भी आप लोगों ने बहुत सारे कागज दिखाए हैं समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, और मैंने कहा है कि अगर उसकी भी जांच करके सरकार अगर उसमें सत्यता पाती है तो सरकार कोई भी हो लेकिन अगर उसने वादा अगर अपने प्रदेश की जनता के साथ अगर किया है, प्रजा के साथ किया है, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ किया है तो उसका पालन करना उस सरकार का दायित्व है, उसका धर्म है, उसकी जिम्मेदारी है। और ये तो हमारी सरकार के बीच में हुआ, प्राधिकरण ने किया और मैंने पहले भी कहा था कि आप सब लोग धरना और आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं सब ये अपनी आवाज उठाना लोकतंत्र में मर्यादित तरीके से ये सबका अधिकार है, हम लोगों ने भी उठाया लेकिन हर कुछ मर्यादा में होनी चाहिए और आप लोगों ने उसका भरपूर पालन किया है, इसमें कहीं पर भी कोई दोराय नहीं। जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो मुझे भी इस बात का आक्रोश होता है, मुझे भी इस बात का वो होता है कि किसानों को इतनी तकलीफ और किसानों को अगर कहीं पर भी अगर कोई तकलीफ अगर अपना पसीना बहाना पड़ता है और अपने न्याय के लिए तो मुझे भी आप जितनी पीड़ा आपको होती है उतनी ही पीड़ा मुझे भी होती है। और मैं कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, विलंब उसमें हुआ, देखिए सब चीजें जाती हैं, शासन प्रशासन प्राधिकरण बोर्ड, इसमें कोई मैं नहीं बैठा हूं लेकिन आपकी बात को जब जब भी हुआ है बहुत मजबूती के साथ मैंने कहा है। और एक बार प्राधिकरण ने आप लोगों के साथ, मैं दूसरी सरकारों के लिए भी कहता हूं, अपनी सरकार के लिए भी आज खुले मंच से आप सब लोगों के बीच में मैं कह रहा हूं, प्राधिकरण ने अगर कुछ भी अगर किया है आप लोगों के साथ, जो भी 15 पॉइंट पर उन्होंने अग्रीमेंट किया है, आपके साथ समझौता किया है, वह समझौता पूरा होगा और वह समझौता पूरा नहीं होगा तो आपके आंदोलन में सबसे पहले, आपके आगे सबसे पहले मैं खड़ा होकर उसका नेतृत्व करूंगा, यह भरोसा और विश्वास में आप सब लोगों को। देखिए आज एक दिन यह 1000 मीटर आपने बोला है तो मैं फिर बता दूं, आज फिर हमारे प्रमुख सचिव जो आपके उद्योग के हैं उनसे फिर अभी मैंने बात की और उनको भी मैंने ये सारे पॉइंट्स फिर से बोले कि उसको देखकर उसको जल्दी। सर हम लोग 146 सेक्टर के लिए भी सिर्फ 5% काट करने, रिजर्व करने के लिए भी पूरी कार्रवाई कर चुके हैं, 50 बार झूठ बोलने में क्या बताएं? अरे होगा ये, ये झूठ बोलते हैं, होगा ये, होगा ये, आपके सामने क्यों बोला था इन्होंने? होगा ये सबके साथ अपने चेयरमैन को बोलिए, आईडीसी जो है इनको बोलिए कि वहां लखनऊ में बैठकर वो तमाशा ना देखें, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें, ये रोज का धरना प्रदर्शन हम सब लोग देखते हैं, आईडीसी वहां लखनऊ में बैठकर तमाशा कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये आप सब लोगों की तरफ से ये नेतृत्व ही हुआ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके आंदोलन का नेतृत्व ही हुआ,
और मैं आज मैं बोल रहा हूँ, या आईडीसी को बोलिए कि ये बात का जवाब दे, वरना सबसे पहले चलकर मैं वहां पर बैठूंगा। अन्य मुद्दा जो है वो सब प्रमुख, 15 के 15 मुद्दे वहां प्रमुख। यहां पर मैं धरना प्रदर्शन हम जनप्रतिनिधि झेलते हैं, वो लखनऊ में बैठकर तमाशा कर रहे हैं। और बताइए कि मैं सीधे आईडीसी को बोल रहा हूं, ये सीधे आईडीसी मनोज सिंह को बोल रहा हूं। इतनी तमीज नहीं हूं उनको कि अब तक मैं जनप्रतिनिधि यहां का हूं, आखिर उनको यहां पर इस बात के बारे में संज्ञान लेकर हम लोगों को जानकारी देनी चाहिए। फोन कर करके हम सब लोग जानकारी हासिल कर रहे, वहां बैठकर तमाशा कर रहे। इसके अलावा और कुछ बोलने के लिए नहीं बचता। मैं अगली बार आप सब लोगों को विश्वास दे रहा हूं कि अगले 15 दिन का समय मैं आप खुद दे रहा हूं, अगले 15 दिन का समय मैं प्राधिकरण और आईडीसी को दे रहा हूं, उद्योग मंत्री को दे रहा हूं। सब बातों के जवाब वो देंगे 15 दिन के अंदर, वरना मैं खुद वहां पर चलकर बैठा। आप सब लोगों के साथ 15 दिन के बाद मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ पूरा हो जाएगा, जो नियम संगत है वही मैं आखिर, लेकिन दूसरा एक पक्ष में अगर मनोज सिंह आईडीसी और सरकार को बोल रहा हूं तो दूसरा मैं आपको भी बोल रहा हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं झुक जाऊं दब जाऊं, जो सत्य होगा उसके लिए टिका रहूंगा, अंगद की तरह पैर गड़ा कर मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन जो गलत होगा चाहे चुनाव भी आ जाए मैं उस पर पलटूंगा नहीं। मैं कोई झूठा और गलत वादा नहीं करूंगा, चाहे उससे कितना भी वोट का फायदा होता हो, गलत काम के लिए मैं कभी नहीं भी। राजनीति में हम सब लोग हैं, समाज में इसलिए हैं कि ताकि सबकी सेवाओं कर सके, जो उचित हो वह न्याय दिला सके, जो गलत है उसको ध्वस्त कर सके, इसलिए यहां पर समाज सेवा में काम। लेकिन ये तमाशा नहीं था, लगातार 1.5 साल पहले ये बात हुई थी, 1.5 साल तक एक भी अधिकारी अभी तक हम लोगों को अपने मर्जी से यहां पर जानकारी देने के लिए। सीधे अब मैं 15 दिन की तारीख, अब ये आप सब लोगों के ऊपर निर्भर करता है। 15 दिन क्या हुआ, 22 तारीख से लेकर 21 तारीख से 15 दिन, 4 अगस्त, हाँ जी ऐसा है, माननीय विधायक जी साथ में खड़े हैं और हम इस बात को लेकर बड़े खुश हैं। जो विधायक बिल्कुल सीधे स्पष्ट तौर पर बोलता हो, चाहे कोई भी हो, बस बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर, वास्तव में ऐसा ही हम चाहते हैं। और हम विधायक जी आपको ये बताते हैं कि ये किस तरह कैसे कर रहे हैं। 146 सेक्टर है, इसके लिए मैंने आज भी प्रमुख सचिव को, आज भी आने से पहले मैंने उनसे कहा है कि ये किसानों के लिए ही आवंटित होना चाहिए, 5% के लिए। मैं अभी बोल के आया हूँ 1000 के लिए मीटर की आप लोगों की बात होती है, वो भी नियमतः जो भी होना चाहिए, नियम कानून संगत वह होगा, और जो भी 15 पॉइंट्स है, जो भी प्राधिकरण ने आपके साथ वो किया है, उस पर वो गौर से विचार करेंगे और 15 दिन के अंदर आप रुक जाओ जरा, नेतागिरी बंद करिए। सब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की चोरी और गलतियों की वजह से यह सवाल। अगर ये धरना प्रदर्शन सच मायने में, अगर ये धरना प्रदर्शन सुखदीप भाई ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के घर पर अगर किया होता तो आज ये नौबत नहीं आई होती, ये अखिलेश यादव की वजह से, बहुजन समाज पार्टी की वजह से हुई है। उत्तर प्रदेश को लूटने का काम ये अखिलेश यादव की सरकार ने किया। एक मिनट रुको यार, रुको, बोल दिया हमने, जो ये बोल दिया सुखबीर भाई, और इसको हम लोग बात करेंगे। ये अब मैं बात करने नहीं जा रहा हूँ, मैं अगर वो नहीं जवाब नहीं आया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 15 दिन के अंदर सब कुछ होकर समाप्त हो जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब आएगा, नहीं आएगा तो 4 तारीख को मैं स्वयं आपके साथ आकर वहां पर अथॉरिटी पर बैठूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।